अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद में सिर्फ 10% अदा करके 3 साल की किस्तों में आप अपने अपार्टमेंट के मालिक बन सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा दी ओसी साइट की साइट के ऊपर भी लोकेशन के हवाले से बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त मैं डिओसिस की साइट पे मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है। आपको बताते चलें कि इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या है। आप देख रहे हैं मेरे पास इधर बोर्ड भी लगे हुए हैं जिसके ऊपर ये चीज़ मेंशन है, 10% से बुकिंग है, 3 साल की किस्तें। इसमें आपको क्या क्या दिया जा रहा है, कमर्शियल शॉप्स हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, बेसमेंट पार्किंग, रूफ टॉप पर रेस्टोरेंट मिलेगा, प्राइवेट टेरेस होगा आपके अपार्टमेंट का, और इसी के साथ साथ लिफ्ट भी मिलेंगी जिसके साथ बैकअप जनरेटर्स की सहूलत भी मौजूद होगी। इस वक्त मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये मेन श्रीनगर हाईवे से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ये हमारे पास ये साइट मौजूद है। इधर से मेरी राइट साइड पे आपको सामने बिल्कुल नस्ट यूनिवर्सिटी आपको मिलती है और मेरे बिल्कुल सामने, और ये वीरान नहीं है, ये मैं इस वक्त कमर्शियल हब में मौजूद हूँ अजतेरा की। आपको पूरी पट्टी में ये देखें प्लाजे बनते हुए नज़र आ रहे हैं मेरी दूर दूर, और यहाँ पर प्रॉपर आबादी नज़र आ रही है आपको। इस वक्त काम जो है हमारा शुरू हो चुका है और बुकिंग्स भी जारी हैं। सिर्फ 10% से बुकिंग है। इसमें हमारे पास 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट के डिफरेंट साइजेस मौजूद हैं। इसी के साथ साथ ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स भी मौजूद हैं। अगर मैं इस एरिया की बात करूँ डिमांड की, तो ये प्रॉपर जो पूरा एरिया है जो हम आपको विज़िट करवाते रहते हैं अक्सर, यहाँ पर 80% जो आबादी है यहाँ पर रेंटल रह रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड की वजह ये है कि यहाँ पे एक तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको नज़दीक मिलते हैं, जिसमें नस्ट यूनिवर्सिटी है, कायद अजम यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ आपको अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ, मैंने पहले बताया कि ये श्रीनगर हाईवे से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो जो लोग भाई से यहाँ पर नौकरी करने आते हैं तो उनके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त प्राइम लोकेशन ये बनती है कि यहाँ से 5 से 10 मिनट में वो ब्लू एरिया या पिंडी के अंदर अपने ऑफिस को एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे रेंटल वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो 1 बेड अपार्टमेंट की आज की 40 से 45 हज़ार रुपया रेंटल वैल्यू है, और अगर इसी अपार्टमेंट को आप फर्निश्ड कर लें तो इसकी जो रेंटल वैल्यू है वो 50 से 60 हज़ार रुपये चले जाती है। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो आपको बताता चलूं कि ये हमारे पास बड़ा ही ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप यहाँ पूरे एरिया में देखें इतनी फैसिलिटीज़ किसी प्रोजेक्ट में आपको नज़र नहीं आती, जिसमें आपको बेसमेंट में पार्किंग भी दी जा रही है ताकि आप लोगों को पार्किंग का कोई मसला ना यहाँ पे आए, रूफ टॉप पर रेस्टोरेंट दिया जा रहा है, प्राइवेट टेरेस है यहाँ पर आपको मिलते। तो इस ज़बरदस्त प्रोजेक्ट में आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, और ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट नहीं है, इंशाल्लाह अगले 1 से 1.5 साल में ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा। 3 साल का पेमेंट प्लान तो है, लेकिन इंशाल्लाह हमने ये 1 से 1.5 साल में इसको फिनिश कर देना है। जो लोग अपनी किस्तें पूरी कर देंगे उनको बहुत जल्द पोजेशन दे दिया जाएगा। तो ऐसा प्रोजेक्ट आपको इस पूरे इस्लामाबाद में मार्केट में नहीं मिलेगा कि 3 साल की किस्तें होने के बावजूद 1 से 1.5 साल में आपको डिलीवरी टाइम मिल रहा है। तो आप लोग इस प्रोजेक्ट में सिर्फ इसलिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आपकी किस्तों से पहले आपको ये प्रोजेक्ट रेडी मिलेगा, आप अपना कब्जा हासिल कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ कब्जा मिलेगा, आप सिर्फ पोजेशन को ना देखें, जब आपको पोजेशन मिलेगा आपको रेंटल वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगी, आपको उसकी चीज़ का रिटर्न ऑफ प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, रीसेल वैल्यू बढ़ जाएगी उस चीज़ की जब आपको उसके ऊपर कब्जा मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इसलिए लेके आई जा रही हैं ताकि आप लोग अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ से जल्द अज जल्द अपना फ़ायदा उठा सकें। तो ये एक बड़ा बेहतरीन मौका है कि प्री लॉन्चिंग रेट्स के ऊपर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट महफूज बना सकते हैं, अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो बगैर देरी किए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस और डेवलपमेंट अपडेट से आगाह रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में।